अभी आ गया है मेरा पार्सल अमेजोन से, तो इसे हम जल्दी जल्दी करते हैं अनबॉक्स, तो फिर आपको दिखाते हैं इसके बीच में क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने आपको, जिस पर्पज़ से ये वीडियो आपको ये मैं बना के दे रहा हूँ। तो चलते हैं फिर फटाफट करते हैं इसको अनबॉक्सिंग, तो उसके बाद आपको दिखाते हैं कुछ ना कुछ क्या है इसमें। पैकेट फाड़ने के बाद ये मिला हमें मास्टर डिजिटल अमेजोन की तरफ से, तो अभी अब आके आपको दिखाते हैं। ये भी हम साइड में इसको रख देते हैं। तो अभी ये देखो, ये है हेलमेट माउंट, तो ये है मोटो ब्लॉक के लिए। तो इसको भी मैं अब सारे को अनबॉक्स करके दिखाता हूँ फिर आगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें है। तो फिर इससे फटाफट हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। अनबॉक्स करने के बाद ये मिला हमें, और फिर ये मिला जिसमें हम फ़ोन को अटैच करेंगे और इसको हम हेलमेट पे अटैच करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे कैसे करना है। तो ये चीज़ और एक ये चीज़, और इसकी क्वालिटी जो है बहुत ही बढ़िया है, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रही है। अभी आपको दिखाते हैं फिक्स करके इसको हेलमेट पे। तो एक ये चीज़ है, तो आपको दिखाते हैं कैसे कैसे ये आगे सेट करना है हेलमेट के अंदर, फिर आपको हेलमेट दिखाते हैं। फिलहाल के लिए चलते हैं हेलमेट लेके आते हैं। ये है हेलमेट, तो इसके फ्रंट में यहाँ पे ये चीज़ को हम ऐसे लगा के फिक्स करते हैं। तो आपको दिखाते हैं ये कैसे कैसे करना है, तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो अभी चलते हैं वीडियो में। इस तरह इसे फिक्स कर लेना है आपने, बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी इसको फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे फ़ोन लगाया जाएगा और आगे एक माइक्रोफोन जिससे आप आवाज़ को रिकॉर्ड करोगे वो यहाँ से अटैच करके आप अंदर कहीं भी इसे छिपा के रख सकते हो, जहाँ पे आप इसे कंफर्टेबल आपको लगे। तो अभी हमारा सेटअप हो गया है रेडी। तो ये है हमारी बाइक, तो अभी इसको करते हैं स्टार्ट और फिर आगे आपको दिखाते हैं रास्ते में कि कैसा ये है। आगे आपको जाके सब पता चलेगा कि इसमें आपको कैसी नॉइज़ अंदर आती है, हवा की आती है कि नहीं आती है। तो आगे आपको लेके हम चलते हैं, तो वीडियो में आप बने रहो, तो रास्ते में आपको मिलते हैं फिर। तो भाई अभी चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कैसी नॉइज़ आती है। तो अभी हम चल रहे हैं आगे, तो देखते हैं आगे आपको कैसा देता है। तो चलते हैं फिर भी आगे ऑफ रोड। तो यदि आपको आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी तो आप उसे इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो इतना बोलने का भी पता भी नहीं है कैसे मोटर ब्लॉग में लोग बोलते हैं। फिलहाल के लिए हम कैसे कैसे हैं बोलते रहे हैं, आगे देखते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे खड्डे वगैरह बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, तो समझ समझ जा रहे हैं अब भी बहुत ही कटे हैं। फिलहाल तो चल रहे हैं आप धीरे धीरे 20-25 की स्पीड में। चलते जाएंगे और जंप तो लाएंगे, जंप खाएंगे, तो रास्ता बहुत ही खतरनाक है यहाँ पे। तो आपको घुमारे आगे चलते हैं, आगे देखिए आप यहाँ पर आपको नहीं दिखाते हैं क्या क्या है देखने के लिए। फिलहाल के लिए आप तो ये ऑफ रोड ही आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रोड ऐसा है। अभी आपको दिखाते हैं, मेरे अंकल जी का ट्रैक्टर खड़ा हुआ है किसी का, हमें नहीं पता किसका है। आगे एक ज़्यादा टेम्पू उसमें जारी है, एक भैंस की बेटी। फिलहाल वो टूर काफ़ी हाई आगे से भी आने जा रहा है टेम्पू, तो फिलहाल वो बहुत ही ज़्यादा है, तो गाने देखते पहले हमको, हम चलते हैं धीरे धीरे। और आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि जंप कितने खतरनाक है यहाँ पे, बहुत ही खतरनाक है यहाँ पे, एकदम बहुत ही ज़्यादा।
अभी आपको आगे लेके चलते हैं, तो अभी हम मिलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे रुक गए हैं, तो आप देख सकते हो कैसा ये व्यू यहाँ से नज़ारा, यहाँ पानी है। तो अभी आपको एक यहाँ से बाइक निकाल के दिखाएंगे यहाँ से, ठीक है, थोड़ा आपको एडवेंचर यहाँ पे फील करवाते हैं। आपको देखने को ये पानी थोड़ा ही लग रहा होगा, बट ये बहुत गहरा है। चलो अब चलते हैं, फिर बाइक यहाँ से निकालते हैं। चलो फिर हम करते हैं स्टार्ट, वो हमारी बाइक। तो अभी हम चलें आगे, आपको दिखाते हैं यहाँ से क्या होता है। तो अभी करते हैं बाइक को स्टार्ट, तो फिर चलते हैं, आपको कुछ एडवेंचर फील करवाते हैं। यहाँ से पानी बहुत ही ज़्यादा है, आपको देखने को बहुत ही कम लग रहा है, वैसे दूर से देखना लग ही नहीं रहा कि कुछ गहरा पानी होगा है, बट बहुत ही ये गहरा पानी है। तो आपको अभी यहाँ से बाइक निकाल के दिखाते हैं, फिर तो चलते हैं फिर आगे। कर दी बाइक स्टार्ट, अब यहाँ से हम निकालते हैं बाइक को। अब आप देखते रहना क्या होता है। चलो चलो चलो, बहुत ही ज़्यादा पानी है यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा, और पैर हमने उठा लिया, और आधे से ज़्यादा मोटरसाइकिल अंदर पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा, और ये निकल गए हैं दूसरी साइड बहुत ही मुश्किल से। तो इतने पानी से निकल रहा है ट्रक, तो देखो काफ़ी जोर लग रहा है, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी पत्थर है नीचे, और ट्रक भी भरा हुआ है बजरी से, वो देखो जा रहा है, निकल गया। अब तो इधर पानी काफ़ी है, देखो छोटी गाड़ी नहीं निकल सकती यहाँ से ट्रक और ट्रैक्टर ही निकलेंगे। छोटी गाड़ियों के लिए वो बनाया है छोटा सा पुल, तो उधर से जाते हैं बाइक्स वगैरह और कार वगैरह, तो ये निकल गए। तो एक बार आपको फिर से एडवेंचर फील करवाते हैं यहाँ से पानी से, आपको फिर से एक बार निकालते हैं बाइक, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा। तो एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं पानी के बीचों बीच, आपको देखने को बहुत ही कम लग रहा है, बहुत ही कम, मेरे को खुद को कम लग रहा है, बट जैसे बाइक बीच में जाती है तो आधी आधी बाइक पानी में चली जाती है। तो चलते हैं फिर से आपको निकालते हैं यहाँ से, और भाई पानी बहुत ज़्यादा है, और आधी आधी बाइक बीच में डूब जाती है, और देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा, इस साइड तो बहुत ही ज़्यादा था भैया। और यहाँ से बाइक हम निकालते हुए, तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा, तो क्योंकि आगे आने वाले ब्लॉग इसे ही रिलेटेड आपको यहाँ पे मेरे व्यू में मिलेंगे, तो आई थिंक आपको जरूर मजा आएगा। पानी को देख के तो मन कर रहा है कि नहा लें, बट क्या करें, नहीं नहा सकते, गंदा पानी है थोड़ा, तो इसलिए नहीं नहा सकते। तो अभी हम चलते हैं आगे, ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी है, इसमें तो हम बाइक भी नहीं निकालेंगे, साइड साइड से होके निकाल लेंगे। तो फिलहाल चलते हैं आगे, घर में मिलते हैं। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा, क्योंकि आने वाली वीडियो ऐसी ही रहेंगी मज़ेदार धूम धड़का, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं फिर आगे।